गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी मैं मतलब ऐसे नशे में हूँ नींद के, क्योंकि अभी मैं नाम को घुमाने आई हूँ और अभी रोहन को लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि रात को ना हम लोग सो नहीं पाए। रोहन को पेन बहुत ज़्यादा था, तो रोहन दो दो तीन तीन बार उठ के बहुत चिल्ला रहे थे। फिर लास्ट में पेन किलर दी और उसके बाद में रोहन को थोड़ी सी देर नींद आई। अभी हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछा है, डॉक्टर 9:30 बजे तक आएंगे। फिर अभी रोहन को लेके जाना है हॉस्पिटल। अभी फिलहाल मैं नाबू को वॉकी कराने लगी। मैं दिखाती हूँ नाबू क्या कर रहे हैं। ये हमारे लाड साहब घूम रहे हैं, इसको घर ले जाके और फिर रोहन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और भगवान करे कुछ ज़्यादा गलत ना हो, बस बस सब ठीक हो भगवान जी। तो ये बताओ, दूसरे पैर में तुम्हारी चप्पल दिख रही है, इसमें ना चप्पल है उसे उठाए उठाए तुमने रखा हुआ है, अब बताओ हुआ? ऐसी बात कर रहे हो, तो पहन के कच्चा हूँ कि प्लास्टर वास्टर चढ़ाने लग गया तो लोअर काटना पड़ जाएगा। यू आर वेरी चलाक, वेरी चलाक। ओ भाई, ये कैसे ब्रेक लगा रहा है इसको, तो देख के कुछ होता है मुझे स्ट्रेचर को। अभी ठीक है रोहन का, अभी ठीक है। गेट फली हो गई, गेट फली हो गई, दिखाओ। ये ना पूरा सूख गया, अरे गट्टा ना ये वाला। क्या? अरे यार, एक टांग पे खड़े हो। रोहन को रोना आ गया था थोड़ा सा, क्योंकि पेन तो होता ही है, लेकिन अपनी सिचुएशन पोजीशन भी तो लेनी जरूरी है ना हड्डी को, तो इसलिए अब तो मजा आ रहा है। हीट बन गई, पता है अंदर मजा आ रहा है। दो हड्डी तुड़वा ली तुमने, हड्डी तुड़वा के मजा नहीं आ रहा, मतलब अभी जो हीट हो रही है ना, तो उससे तो थोड़ा पेन रिलीफ हो रहा है, खिंच रहा है वो ना, पेन रिलीफ हो रहा है। दो हड्डी टूटी है रोहन की, कुछ नहीं, बहुत ऐसा मन कर रहा कि मैं सब बहुत ऐसे चीख के ना रो दूँ, क्योंकि बहुत काम था यार, बहुत अभी तो काम की बात नहीं है, मतलब लाचार फील करता है यार बंदा, अगर बॉडी का कोई भी। अब गाड़ी चलाना सीख लोगे ना? लेकिन गाड़ी की बात नहीं यार, अब तो साला सब कुछ ही करूंगी। ये अंकल ने बता ही डाला, तुम तो धीरे धीरे करोगे और दर्द ना हो जाएगा। ठीक है, मैं जालिमों की तरह करूंगी। हाँ, कसाईयों की तरह करूंगा। अरे टाइम कर दो, कहीं भाग नहीं सकता। ये भी सब ये हमारे व्लॉग का बेस्ट पार्ट रहेगा। भैया कह रहे हैं कैसे हो सकता मेरी गाड़ी लग जाए। बच्चा है वो, ये हो गया कुंडा। और हिमशो वहां पे खरीद रही है दुबई, ये देखो। हाँ बस यहीं पे रख लो, नहीं तो नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही कर लो, इधर ऐसे घूम नहीं पाऊंगा ना, वैसे घुमा के फिर घुमा लेना। अरे इसे तो कपड़े भी नहीं चाहते थे। नाबू क्या हुआ पापा को? हाँ इधर कपड़े उतार देने। हाँ क्या हुआ है? बहुत जोर से दुखा। चलो आप आगे आगे चलो, मेरे आगे आगे चलो। बस ना वो मैं तेरी वो वाली वीडियो चाहता हूँ कि जब ऐसे ऐसे करके तब चले तो मेरे को कॉपी करे। आगे 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 देख कर। पापा क्या हुआ है आपको? पापा क्या हुआ है आपको? बहुत हो गया रोहन कंसर्न हो गया एकदम। कह रहे क्या हुआ है पापा? देखो पापा को ना प्लास्टर लग गया अभी। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे कैसा कंसर्न है? ये कैसा कंसर्न है भाई, दुख लग जाएगा पापा को। कह रहे मम्मा मैं बहुत सैड हूँ, मैं बहुत सैड हूँ। देखो देखो देखो, इसको रील शूट करना।
अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से काम शुरू करना है, कहाँ से पकड़ूँ, कहाँ से क्या करूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्या होता है कि जब कोई लाइफ में नहीं होता है ना, तो उसके जाने की वैल्यू तब पता चलती है ना। तो एग्जैक्टली वही मेरे साथ हुआ है। रोहन के बेड पे बैठने से पता चला है कि रोहन कितनी हेल्प और कितना काम करते हैं घर में। अब रोहन का काम भी मुझे ही करना है और मेरा तो नो डाउट मुझे करना ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी मतलब भगवान को हाथ जोड़ रही हूँ कि थोड़े पे ही टल गई, ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। इसको भी तो अलाउड है। हाँ, कह रहा भैया अब मैं क्या बताऊँ आपको, इसको ही सब कुछ अलाउड है। मुझे तो कॉर्नर कर रहा है ना। मैंने इसको 3 महीने की होगी, ये इसको चलते नहीं देखा, भैया भागती है। ना वो आपका प्यार चला गया। ये देखो यहाँ पे हमारा व्लॉगर लेट के व्लॉग एडिट कर रहा है। मुझे मिले नए शू गिफ्ट में। हाँ, और इन्हें मिलने की खुशी मनाऊं या फिर मतलब ना पहनने का गम। और मैं तब से ऐसे लेके बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नाइस। रोहन का फेवरेट आर्टिकल है। मेरा फेवरेट आर्टिकल है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट। अगर आपको भी किसी को गिफ्ट भेजने तो मेरे को यही वाले रोहन रिपीट पे पहनते हैं वाला, प्लीज यही वाले शू भेजना। बस इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेना, लेकिन मेरे को सोल यही वाला पसंद है। आई लव दिस सोल, तो भेज देना। आम खा लो। आम रखे हैं इधर। अरे इधर मेरा गुड्डू बच्चा नीनू कर रहा है, इधर मम्मा खा रही है मिठाई। वाह, क्या मौसम हो रखा है सच में। भगवान जी बता दो, सर्दी के कपड़े रखने हैं कि वापिस पैक करने हैं या निकालने हैं। तो भाई आज है सैटरडे, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ सैटरडे है क्योंकि नवाब जहाँ पे वॉक करता है ना, वहाँ पे लगती है मंडी। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है हम कौन सी जगह एक्सप्लोर करने जाएं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अपनी सेना भी दिखाती हूँ। यहाँ पे सो रही है मेरी सेना, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मंडी लग गई है। ये देखो छुटकी जी यहाँ पे खेल रही है, और आज का जाने का दिन डिसाइडेड था, लेकिन रोहन को चोट लग गई तो अब मैं पारस और तनु छोड़ने जाएंगी। ना वो खेल लो बेटा, अब वो चली जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, ये घर में कोई भी ऐसा सामान कचरा उठा के लाएगी, कोई भी ऐसा वेस्ट सामान उठा के फाड़ेगी, क्योंकि इसको इसके लिए टॉयज कम है ना, टॉयज तो है ही नहीं इसके पास, है ना। और यहाँ पे रोहन का एक्सरे रखा हुआ है, दवाइयाँ वगैरह देख, धुन जा रही है। ठीक है, ये धुन के तो देख रही है कैमरे की तरफ। नाबू धुन जा रही है। ठीक है, आप बाय बाय तो कर दो इसको, लो थोड़ा सा बाय बाय कर दो, बाय बाय। हाँ, मिलेगी नहीं आपसे, गुस्सा हो रहा है। अभी पता नहीं आपसे। और ये बैठ गई तनु की गोदी में, इतनी बदतमीज है यार। इसका 3 महीने मैंने रखा देखा है, और तेरे को और पारस को देखते ही अपना दल बदल लेती है। दल बदलू ये ऐसी है दीदी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे घर जाके मुझे भूल जाती है। हाँ, ये बात तो है। हाँ हो रहा, हाँ। अब अपने फाइनली अपने परमानेंट घर जा रही है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे नोएडा के नीचे, जो हमें एड्रेस दिया था 15A, सेक्टर 15A के नीचे। यहाँ पे हमें वो आ रही है दीपांशी अभी मिलने। धुन को ना हम लोगों ने बिठा दिया लखनऊ के लिए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो मोमेंट ही इतना ज़्यादा मतलब हो गया सैड। जस्ट धुन को ड्रॉप करके आई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद स्ट्रॉन्ग हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब वो गई तो सीरियसली उसने मेरी आंखों में जब देखा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। मैं काफ़ी रोई, मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई। लेकिन ये उसे भी पता है, कल सुबह के बाद उसे पता चल जाएगा, और ये आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसके अच्छे के लिए किया है ये। उसका अपना परमानेंट घर हो जाएगा, उसका अपना घर हो जाएगा उसके। सही है, मतलब मजे ले लियो। यही वाला ना। हाँ, यही वाला। यार तुम तो मुझसे दूर ही रहो कुछ दिन। तो अभी नाबू की मम्मा बना रही है इसके लिए खाना, बना रही है। हम बनाने नहीं कहते, बोल लोग बोलते हैं कि खाना बना रही है। और पता है, मैं जब धुन गई ना, मैं बोलूँ जब धुन गई ना, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। वीडियो नहीं बनी, पता नहीं उससे ना बनी नहीं, और जिस तरीके से देख रही थी ना मुझे, तो मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी। खाना
यार आप सबको जो इतने सब लोग कंसर्न है आपके लिए, इतने मैसेज आ रहे हैं, इतनी विशेज आ रही हैं और सब पूछ भी रहे हैं कि चोट कैसे लगी, सुबह से शाम हो गई, ये तो बता चोट लगी कैसे, हुआ क्या आपके, हादसा हुआ क्या, हादसा क्या, हादसा क्या घटना घट गई, ये देखो नाबू ये खाता है। लेकिन आप लोग भी सोच रहे होंगे यार कितने बदतमीज हैं ये, इनको इतने चोट वोट लग गई और ये अभी भी लगे पड़े हैं ऐसी बकवास करने। तो भाई यही है हम, मतलब हमारा यही है, बेसिक नेचर भी यही है, क्या हो सकता था ज्यादा कुछ बड़ा हो जाता। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल का व्लॉग भी ऐसे ही चला गया, आज का व्लॉग भी पूरे दिन हम हॉस्पिटल गए, सब कुछ हुआ। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, हुआ क्या कि जब ध्रुव फाइट कर रहा था तो कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट कि मतलब ध्रुव की फाइट ना कैंसिल हो गई, तो हम सब लोग गुस्से में थे और गुस्से के साथ साथ ना हम परेशान थे, बहुत ज्यादा अपसेट थे, जैसे अंदर गया ना, हाँ अपसेट होके तो हमें एकदम से मतलब हम भी टेंशन में आ गए, तो रोहन एकदम उसके पीछे भाग के गए। हाँ तो हुआ क्या, जैसे एकदम ना ध्रुव दिख रहा था कि बहुत ज्यादा परेशान है, तो जैसे उसे अंदर लेके जा रहे थे ना, तो मैं क्या हुआ कि मैं क्राउड से निकल के मैं उस जगह जा रहा था जहाँ पे ध्रुव है, और जैसे मैं ध्रुव की तरफ बढ़ाना तो मैं देख केज की तरफ रहा था, मतलब मेरा ध्यान दूसरी तरफ था और मैं चल दूसरी तरफ रहा था, तो मेरा स्टेयर से पैर स्लिप हुआ और इसके नीचे जो केबल के ऊपर एक ट्रे डलती है ना जो कवर करती है उस चीज को, केबल्स को, तो मेरा पैर स्टेयर से गिरने मतलब उतरने के बाद में उस पर रखा गया, तो वो क्या फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, तो मेरा पैर ऐसे टिल्ट हुआ और मेरे को तभी आवाज आ गई थी कि मतलब कड़ाक से आवाज आई थी। कहीं ना कहीं थोड़ा जो प्रॉब्लम रही वो आपके शू की भी रही, क्योंकि आपके स्पोर्ट्स शू नहीं थे, वो लोफर्स थे। हाँ, तो उसका सोल बहुत ही, तो जो मैंने शू पहने हुए थे ना वो भी बिल्कुल स्लीक था, उसका सोल बिल्कुल माइनर था, मैंने लोफर्स पहने हुए थे, नहीं मैंने स्नीकर्स पहने हुए थे, लोफर्स नहीं पहने, स्नीकर्स पहने हुए थे, तो जैसी आवाज आई समझ में आ गया। उसके बाद में ध्रुव खुद मेरे लिए आइस क्यूब लेके आया, पूरी रास्ते रख के लेके आया, तो रात को 3 बजे क्या हुआ, ऐसी चीख निकली कि समझ में आ गया था कि पैर फ्रैक्चर है, हड्डी जा चुकी है। हम लोग सुबह उठ के हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके जब एक्सरे वगैरह कराया तो पता चला उसमें एक जो कन की उंगली, जो सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है, उसके जस्ट पहले एक फ्रैक्चर है, और दूसरा जो हमारी एडी होती है ना जब हम पैर रखते हैं जो टिकता है, वहाँ पर एक फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर बहुत ही गलत जगह पे ऑब्वियसली, तो दो फ्रैक्चर हैं पैर में, और दो फ्रैक्चर के साथ में दो जगह से मसल वो हो गए, मतलब वहाँ से मांस फट गया है, तो एक छोटे से पैर में 4 इंजरी, पेन इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते, मतलब आज तो पूरा ही बुरा हाल रहा है पूरे दिन, बट फिर भी व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो लोमड़ू को ना पहले प्यार चाहिए, खाना खिलाने से पहले ना लग के सरा लोमड़ू गुड्डा सा गुड्डा। तो भाई नाबू बोल रहा है हमारे चैनल को प्यार करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, खूब सारे व्यूज दो, खूब सारे सब्सक्राइबर लाओ। आप लोग क्या चाहते हो, हम भी व्यूज ना आए क्या हमारे, हैं नहीं ऐसा, ये सब्सक्राइबर कैसे चाह सकते हैं, सब्सक्राइबर तो चाहते हैं कि एक हट होनी चाहिए तभी तो देखे। अच्छा तो यार ये स्कीम थी। चलो भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और आज के सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब कर दो प्लीज हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, नाबू की तरफ से गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय श्री राम।